गोवंडी की 16 वर्षीय गली गर्ल का कहना है कि रैप इस बारे में नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, सर ढके चलने वाली निकली है सर उठाने, आप क्या ही कर सकोगे जो चाहे कर जमाने। यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसके पिन कोड में कॉलेज महंगे हैं। उपरोक्त कविता के 16 वर्षीय लेखक अध्ययन करने के लिए चैंपुर जाते हैं। अम्मी मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। गोवंडी की सानिया कयूमुद्दीन मिस्त्री ने अपने अनुक्रम एम्बेडेड माँ नसीमा बानो से स्कूल से पास होने के तुरंत बाद कहा था, जब उनकी उम्र की लड़कियों की शादी होने लगी थी। एक लोकप्रिय संगीत पत्रिका की अप्रैल 2022 के अंक के अनुसार सानिया एमक्यू एक गली गर्ल और अपने पिता के ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से के अनुसार यूट्यूब रैपर बनने से पहले सानिया ने जोर देकर कहा, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। इस साल फरवरी में 3 टीवी टैलेंट शो के जन ताली बजाने के लिए खड़े हुए थे, जब 12वीं कक्षा की छात्रा ने चाय की छलनी की जगह अपने होठों के पास माइक पकड़ रखा था। इसमें उसने ऐसे बोल बोले जो अब उसके एक साल पुराने 12,000 सब्सक्राइबर मजबूत यूट्यूब चैनल पर पुरुष रैपर से सम्मानजनक फायर इमोजी की पंक्तियां निकलते हैं। हिजाब पहनी सानिया कहती है, रैपिंग इस बारे में नहीं है कि आप क्या पहनते हैं या कितनी कसम खाते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या लिखते हैं और आपके कौशल उस किशोरी को जोड़ता है जिसने पिछले साल अपने चैनल का उद्घाटन लॉकडाउन की वास्तविकता नामक एक नंबर के साथ किया था। एक अवधि जिसका परिवार एनजीओ द्वारा प्रदान की गई राशन किट पर जीवित था। सानिया कहती है, लोगों को भाषण में दी गई जानकारी याद नहीं रहती, रैप की लय और हुक से याद करना आसान हो जाता है। सानिया कहती है, जिनके वीडियो मुंबई के फ्लाईओवर की नालेदार दीवारों और जलते कचरे के ढेर के खिलाफ शूट किए गए, अस्पष्ट जनहित याचिका बिक्री अंडरबेली उन्हें स्थिर रूप से दिखाते हैं। डिलीवरी गरीब से लेकर पितृ सत्ता और नियति से आजादी तक सब कुछ लेती है। गान की तरह किरकिरी हिंदी छंदों के माध्यम से मेरा रैप कारों या दिखावे के बारे में नहीं है, यह मेरी समस्याओं के बारे में है। मुंबई के अपने हाल गोवंडी में स्थित किशोर कहते हैं, शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक, जो अपराधों, पागल कुत्तों, काले धुएं, परित्या सिने जो दमित सपनों से घर घर आता है। सानिया कहती है, राजनीति के चुनाव के दौरान ही आते हैं, यहाँ लोगों को नौकरी नहीं मिलती और लड़कियों के लिए शिक्षा गौण मानी जाती है।